अभी तक आपने कई तरीके की बाइक्स देखी होगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स देखी होगी, पेट्रोल से चलने वाली बाइक देखी होगी, यहाँ तक कि आपने काफ़ी ज़्यादा बाइक देखी होगी। जैसे यहाँ पर हम आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्टिवा है जो कि 125 सीसी की है, लेकिन आज हम आपको एक बेहतरीन बाइक दिखाने वाले हैं जो कि सिर्फ 49 सीसी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मिनी डर्ट बाइक है जिसके अंदर एक्चुअली में आपको पेट्रोल डालना होता है और ये पेट्रोल से चलती है। इसके अंदर आपको किक के साथ सेल्फ भी मिल जाता है और भी इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके कॉम्पोनेंट्स को दिखाएंगे और आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं घर बैठे, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये वाली डर्ट बाइक को भी हम लोग टेस्ट कर भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके रियर वाली व्हील से तो आप यहाँ पर व्हील देख सकते हो, खासकर इसके टायर देख सकते हैं। इसके टायर्स ऐसे बनाए गए हैं कि ये ऑफ रोडिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल आपको होगा। देख सकते हैं इसकी जो ट्रेल पैटर्न्स है काफी ज्यादा मोटी दी गई है और ये बिल्कुल भी अगर आप इसे ऑफ रोडिंग करते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम ग्रिप देखने को मिलता है। और व्हील साइज आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा है, एकदम प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर आपको एयर डालना होता है सचमुच में। ये वाली वॉल्व आपको दिख रही है, इसके अंदर आपको एयर फिल करना होता है और ये इसके अंदर ट्यूब लगी हुई होती है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक डिस्क प्लेट दिया गया है, उसके ऊपर यहाँ पर एक डिस्क ब्रेक की मशीन भी दी गई है और दूसरे साइड में यहाँ पर आपको एक चेन की स्प्रोकेट भी दिख रही होगी। बिल्कुल प्यारा सा और छोटा सा चेन यहाँ पर आपको एक देखने को मिलता होगा और चेन को ऊपर से कवर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक की एक चेन की मडगार्ड भी दी गई है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एक चेन कवर भी इसके साथ आपको दिया जाता है। तब उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसके ऊपर में, तो आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा एक साइलेंसर जो इसमें दिया गया है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है इसका, वो बिल्कुल सीट के नीचे यहाँ पर माउंट किया गया। तो जब ये चलती है तो पूरा जो हमारा स्मोक होता है वो कुछ इस तरीके से इसके से बाहर आने लगता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कम्फर्टेबल सीट दी गई है, एक बच्चे के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा ये सही है। यहाँ पर सीट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक स्विच भी देखने को मिल जाता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे साइड में, इस साइड में भी आपको एक ऊपर के अगर बोनट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में आपको ऑयल को फिल करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कैप दिया गया है। चलिए हम कैप को खोलते हैं। ये देखिए इसके अंदर आपको पेट्रोल एक्चुअली डालना पड़ता है, इसके अंदर आपको ऑयल फिल करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग इसे बंद कर देते हैं। और ये जो हमारा ऑयल का टैंक है ये पूरा अंदर, ये वाली जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर पूरा टैंक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप अपनी पैर को चलाते टाइम, राइड करते टाइम रख सकते हैं। और इसके साथ आपको एक किक स्टैंड भी मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टैंड काम करती है। और ये जो पूरी आपको इंजन से पावर है कुछ यहाँ से होते हुए, चेन से होते हुए पूरी आपकी रेयर वाली व्हील में जाती है और खासकर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी बैटरी भी दी गई है ताकि इसमें अंदर जो सेल्फ स्टार्ट की जो सिस्टम है वो वर्क कर सके। तो चलिए हम लोग इस साइड से अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी की भी दी जाती है, तो जब तक आप अपनी बाइक में की को नहीं डालेंगे आपकी बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपको फिल्टर भी दिया जाता है, ये वाली फिल्टर एयर फिल्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल को ऑन और ऑफ करने के लिए एक सिस्टम दी गई है जो कि कार्बोरेटर में लगी भी है। और ये वाली जो आपको एक छोटी सी सॉकेट दिख रही होगी, शायद यहाँ पर आपको एक सॉकेट दिख रहा होगा, ये वाली सॉकेट आपको बैटरी चार्ज करने के लिए होता है। इसके साथ एक चार्जर भी मिलती है, सिंपल सा आपको लगाना होता है और आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो जाता है। और ये देख रहे हैं इसके साथ ये आपको एक किक स्टार्ट भी मिल जाता है, तो अगर आपका बैटरी थोड़ा सा भी डाउन हो गया है, इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट भी है, तो सेल्फ अगर काम नहीं कर रहा है तो आप किक लगाकर इस गाड़ी को ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब ऊपर वाली कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब हैंडल बार के ऊपर आते हैं कि हैंडल में आपको कौन कौन से चीज़ मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने इंजन को ऑन किया था, उसके बाद अभी मैं जब इसे ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन ऑफ़ करने के लिए एक स्विच दी गई है। तो अगर आपको गाड़ी को बंद करना है तो सिंपली सा ऑफ कर दें, उसके बाद ऑन करना है तो सिंपल सा नीचे करके ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सेल्फ स्टार्ट की भी बटन दी जाती है और ये हमारा एक्सेलरेटर रहा और ये रहा हम आपको यहाँ पर आपको दोनों ब्रेक्स मिलते हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्लच या फिर गियर वाली सिस्टम नहीं है, बिल्कुल स्कूटी की तरह है। आप इसे स्टार्ट करेंगे, रेस लेंगे और ये चलने लगेगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा,
एक वायर है जो कि रेड कलर के कैप से ये बंद है कुछ इस तरीके से। तो ये चाइल्ड सेफ होता है, जब तक आप इसे लगाएंगे नहीं आपका गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। मे भी हो सकता है कोई आपके घर में छेड़छाड़ कर रहा होगा, एक्चुअली ये बच्चे के लिए है, अगर आप इसे हटा देंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी। तो वापस से हम इसे कैप को लगा देते हैं। सामने में आप देख सकते हैं हमें एक फेंडर मिलता है जो कि कुछ इस टाइप का बिल्कुल माउंटेन वाला लुक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सामने में भी आपको एकदम मोटे से टनाटन टायर मिलते हैं। उसके बाद सामने में भी आपको एक फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है। तो बस इस बाइक में बस इतना ही। अब हम इसे फटाफट से आपको स्टार्ट कर दिखाते हैं कि इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टार्ट होती है तो कैसी लगती है। तो चलिए बाइक को अभी हम लोग स्टार्ट कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बाइक है अभी रेडी है, मिनी डर्ट बाइक, जिसे अभी अतुल स्टार्ट कर रहा। स्टार्ट करो, नहीं हो रही है, फाइनली स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीडेंट हो गया। अभी मरते मरते बचा है भाई। चलो 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 स्टार्ट करो। तो कैसा लगा अतुल? तो भाई अतुल कैसा लगा चला के? तब मोनू भाई का बारी है, मोनू चलाएगा, स्टार्ट करेगा। अतुल स्पीक लो जल्दी से। भाई कितने लीटर का टंकी है इसके अंदर? इसके अंदर 1.5 लीटर का टंकी है और सेल्फ स्टार्ट बटन यहाँ पर आपको मिलता है। तो अभी हम लोग मोनू को फॉलो करेंगे, हमारे पास अपनी एक्टिवा है। चलो मोनू। तेरे लिए टूटे वाले पूरा आगे चल, आगे चल। अरे चाचा यहाँ आ गए, बस बचकर बचकर, गड्ढा है गड्ढा। भीड़ वाले जगह पर अब चलते हैं, अब हम लोग वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं और चलते हैं किसी भीड़ वाले जगह पर। तो मोनू कैसा लगा चलाकर? बहुत औसम लगा, बहुत भाई। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा पावर है यार, एक्टिवा पीछे रह गई चलाते चलाते, ये 55 तक हमने रिएक्शन, तो माय गॉड देखते ही रह गया। ऑलमोस्ट हम लोगों ने लगभग 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार इसमें पकड़ ली थी ऑलमोस्ट। ये बैलेंस कैसा था, स्टेबिलिटी की बात की जाए? औसम यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी हम लोग कहिएगा तो रेस लगा लेंगे, काफ़ी जल्दी पिकअप पकड़ लेती है ये। तो चलिए हम लोग किसी जाते हैं बढ़िया जगह पर जहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन अभी हम लोग कवर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक के पास लेकर चलते हैं, पब्लिक के पास भाई। भाई कुत्तों को भी बुरा लग गया। चलिए चलिए फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर पे।
है। चलो और रेस लो भाई, बच के और से और से। स्पीड देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 40+ आ रहे हैं, आसानी से चढ़ गई है। ऑटो वाले भैया का रिएक्शन देखिए, बस बस आगे नहीं आगे नहीं, हाईवे आ जाएगा, मोड़ लीजिए यहाँ से मोड़ लीजिए, इसका रोड है और तेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक कुछ इस तरीके से बार बार रोक कर बोल रही है, जानकारी दीजिए इसके बारे में। ये बाइक है डर्ट बाइक, ये डर्ट बाइक है, पेट्रोल से चलती है, काफी बेहतरीन बाइक है, बिल्कुल बिल्कुल इसे खरीदना पड़ता है, इसे खरीद सकते हैं आप 26,000 रुपए में खरीद सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा कहाँ? ये आपको एज ऑटो में मिल जाएगा, एज ऑटो, हम आपको नंबर दे देंगे। हम लोग का यूट्यूब पे चैनल है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं। क्या कौन सा चैनल है? डू इन मिनट्स के नाम पे हमारा चैनल है यूट्यूब पे, डू इन मिनट्स, डू इन मिनट्स, यस, काफी ज्यादा अच्छा चैनल है हम लोग का। तो चलिए मोनू एक बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मोनू को चला कर दिखा दीजिए, बिल्कुल चला कर दिखा दीजिए आप। ठीक है अंकल चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पब्लिक का रिएक्शन कैसा आ रहा है, और तेज भाई और तेज। बाइक वाले भैया वो अपनी रफ्तार को धीरे कर दिए ये बाइक को देखने के लिए, बाइक तेज चलाओ और तेज। गाड़ी चलाकर यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो अभी हम लोग दूध को बंद करते हैं, वापस से घर की ओर जाने वाले हैं। तो अभी मैंने इसे चलाया, अतुल ने भी चलाया, अतुल कैसा लगा? अतुल को भी काफी अच्छा लगा, अभी मोनू हमारे कैमरा पकड़े हुए जो कि अभी चला रहे थे, मोनू को भी काफी ज्यादा पसंद आया, तो अभी हम लोग चलते हैं वापस से घर की ओर। तो चलिए अभी इसे स्टार्ट करते हैं और घर, हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई, हम लोग निकलते हैं। अरे भैया वीडियो बना पर देख सकते हैं, भैया वीडियो बना और आगे